राजधानी देहरादून में उत्तराखंड युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह रावत के निर्देश पर राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रवक्ता विकास नेगी ने बताया कि 16 तारीख को राहुल गांधी के दौरे को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। अधिक से अधिक संख्या में युवाओं का जमावड़ा राहुल गांधी के मार्गदर्शन के लिए परेड ग्राउंड में रहेगा। उन्होंने ये भी माना कि युवाओं का अहम योगदान सभी लोकसभा सीटों को जिताने में रहेगा। जिस प्रकार से देश के युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की विचारधारा को अपनाया है और देश के युवा नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, बात से साफ पता चलता है कि युवा सोच में राहुल गांधी आज आदर्श बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि शक्ति ऐप के माध्यम से बूथ स्तर तक युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश महासचिव सोनू हसन, सौरभ त्यागी, सिद्धार्थ वर्मा, नयन सती और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। युवा कांग्रेस का जो आह्वान है हमारे माननीय राहुल गांधी जी के लिए, तो प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों से भारी मात्रा में, ये मान लीजिए हजारों की तादाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समस्त यूथ कांग्रेस के सोच के युवाएं सभी उसमें भारी मात्रा में पूरे प्रदेश से आएंगे। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ काजल की रिपोर्ट।